नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। दोस्तों आज हम बात करेंगे अमरनाथ यात्रा की, जो 1 जुलाई से शुरू हो चुकी है। इस यात्रा में हजारों लाखों लोग बाबा बर्फानी के दर्शन करने के लिए दूर दराज से, यहां तक कि विदेशों से भी लोग आते हैं। अमरनाथ यात्रा भारत के लिए एक पहचान है। ये यात्रा सदियों से ऐसे ही चलती आई है। आपको बता दें कि इस बार सबसे पहले आर्मी के लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। इसके अलावा जम्मू कश्मीर के राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जो कि श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं, उन्होंने मंदिर में विशेष पूजा में भाग लिया और परंपरागत रूप से सबसे पहले सुबह अमरनाथ गुफा में छड़ी मुबारक के आगमन पर शुरू होती है ये गुफा के अंदर जो यात्रा है, उन्होंने इसमें सबसे पहले दर्शन किए। दोस्तों समुद्र तल से 3,888 मीटर ऊपर स्थित 45 दिवसीय वार्षिक ये यात्रा 15 अगस्त को समाप्त हो जाएगी। आपको बता दें कि सोमवार को 31 बच्चों के अलावा 3,543 पुरुषों और 843 महिलाओं का जत्था भगवती नगर यात्री निवास में 142 वाहनों के काफिले के साथ रवाना हुआ था और ये यात्रा सोमवार को कड़ी सुरक्षा के बीच में शुरू हुई थी। 7,500 से अधिक तीर्थयात्री वार्षिक अमरनाथ यात्रा करने के लिए हिमाचल की पवित्र गुफा में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हो चुके थे। इसमें रविवार को कश्मीर घाटी के लिए 2,000 से अधिक तीर्थयात्रियों का पहला जत्था रवाना होने के बाद 4,417 तीर्थयात्रियों का दूसरा जत्था कश्मीर से गुफा के लिए रवाना हुआ था। एक अधिकारी ने बताया था कि श्रीनगर से जम्मू तक यातायात की अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि तीर्थयात्रियों का जत्था जवाहर सुरंग को पार नहीं कर जाता। इसमें एक बड़ा कारण भी है, क्योंकि अमरनाथ यात्रियों को ले जाने वाले किसी भी वाहन को पुंछ और राजौरी जिलों से जोड़ने वाले मुगल रोड पर जाने की अनुमति नहीं होगी। इसका कारण है कि वहाँ पर जो यात्री हैं उनको सुगमता हो, जो आने जाने वाले पैदल यात्री हैं उनके भी लिए भी रास्ता सुगम होना चाहिए। उत्तरी कश्मीर के गादरबल जिले में बालटाल आधार शिविर में 7,500 तीर्थयात्री सोमवार को यात्रा के लिए रवाना हुए और शेष पहले ही पलगांव मार्ग से होते हुए यात्रा के लिए छड़ी मुबारक के साथ गुफा में पहुंच चुके थे। अधिकारी ने बताया था कि उनमें से 1,617 तीर्थयात्री बालटाल आधार शिविर और 2,800 पहलगांव आधार शिविर में पहुँचेंगे। अधिकारियों ने जम्मू श्रीनगर राजमार्ग पर दोपहर को 3:30 बजे तक विपरीत दिशा में किसी भी यातायात की अनुमति नहीं देने का फैसला लिया था, ताकि घाटी की ओर से यात्रियों के लिए सुगम मार्ग बनाया जा सके। खैर ये थी अमरनाथ यात्रा की एक छोटी सी जानकारी। इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए तथा कॉमेंट करके बताएँ कि ये वीडियो आपको कैसे लगा। इसी के साथ आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। 2019 बाबा भोलेनाथ अमरनाथ बर्फानी के दर्शन, भोलेनाथ की कृपा, यात्रा से पहले कपाट खुल गए। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय हो। जय नंदी महाराज, जय नंदी। लो जी दर्शन करो बाबा भोलेनाथ बर्फानी, भूखे कौन प्यासे को प्यारा। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ।